Yes, good morning students, class 6th. We have already read the lesson number 1, Who Did Patrick's Homework? Now today we are doing question answers. A is choose the correct option. Patrick hate dash playing, homework, sleeping or school. So right answer is homework. पेट्रिक को क्या चीज़ पसंद नहीं थी? होमवर्क करना पसंद नहीं था. द कैट वॉज प्लेइंग विद द कैट किसके साथ खेल रही थी? डॉल, बॉल, एल्फ और पेट्रिक. एल्फ के साथ में, जिसको कि पेट्रिक क्या समझ रहा था? डॉल समझ रहा था, लेकिन किसके साथ खेल रही थी वो? एल्फ के साथ. द लिटिल मैन वॉज वियरिंग द डैश शर्ट. जो लिटिल मैन था उसने कौन सा शर्ट पहना हुआ था? वुलन, कॉटन, लिनन एंड वेलवेट. वुलन का. द सेमेस्टर वॉज अबाउट टू एंड विद इन. सेमेस्टर जो थे वो कब ख़त्म होने वाले थे? कितने दिन में ख़त्म होने वाले थे? 30, 35 days, 40 days, 45 days. सो 35 days. एल्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट. एल्स जो था किसके बारे में? कुछ भी नहीं जानता था. मैथ्स, हिस्ट्री, स्पेलिंग और इंग्लिश. हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. मैथ्स के बारे में भी नहीं जानता था. हम यहाँ मैथ्स लिखेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है और हिस्ट्री लिखेंगे तो भी गलत नहीं है. बट यहाँ पर हिस्ट्री में आया है कि एल्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री. सो हमने हिस्ट्री पे इसको टिक किया है. मैथ्स के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, है ना. फिलिंग द ब्लैंक्स. पैट्रिक डिड डैश टू डू हिज होमवर्क. पैट्रिक डिड नॉट टू डू हिज होमवर्क. The elf promised Patrick to grant him a wish. The elf did not know what to do sometimes and need assistance. Elf क्या कुछ भी नहीं जानता था और उसे हर समय किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती ही रहती थी, है ना. For elves human history is a elves के लिए human history जो थी वो क्या थी? एक mystery. Patrick was dashed by the teacher. Patrick was praised by his teachers. Now true false. Write true or false. Patrick liked to play baseball. Patrick को baseball खेलना पसंद था? No. Patrick तो क्या खेलता था? क्या खेलता था? एक तो video game खेलता था, एक football खेलता था, baseball नहीं खेलता था, है ना. The elf was wearing a modern day trouser. मॉडर्न तरीके का ट्राउज़र पहना हुआ था? नो. उसने ओल्ड फैशन का पहना हुआ था, तो फॉल्स हो गया. द एल्फ वुड यूजुअली स्क्रीम हेल्प मी, हेल्प मी. एल्फ बोलता है, तेज से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. यस, ट्रू. द एल्फ नेवर यूज्ड हिज टाइम टेबल. एल्फ ने कभी भी अपना टाइम टेबल यूज़ नहीं किया था. बिल्कुल उन्हें आता ही नहीं था टाइम टेबल, है ना. पैट्रिक सरप्राइज्ड हिज फ्रेंड्स बाय स्कोरिंग ए ग्रेड. पैट्रिक सरप्राइज्ड हिज फ्रेंड्स बाय स्कोरिंग. पैट्रिक को ए ग्रेड मिला तो उसके फ्रेंड सरप्राइज हुए ना. ट्रू. ओके, अब क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेल्फ करके देती हूँ, आप उसमें करेंगे. उसके बाद इधर की जो एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा, ऑन्टोनॉम्स, मेक सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, मैचिंग, ये सब आपको मैं अभी करके भेजती हूँ, या फिर हो सकता है क्लास में कराएँ, देखते हैं. अभी मैं आपको करके भेजती हूँ, ठीक है. जिस जिन बच्चों के पास बुक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी मीनिंग्स लिखेंगे. देन हिंदी मीनिंग्स लिखने के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर. बीच में लाइन ड्रॉ करके इधर वर्ड और इधर मीनिंग लिखना है. देन जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करके भेजूँगी वो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है. और ये जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं वो सारी हमको बुक में ही करनी है. अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन आंसर करके हम आपको भेजते हैं. ओके, थैंक यू.